अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं समोसे बनाने जा रही हूँ। बहुत इजी तरीके से समोसा है, जल्दी चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि अच्छी और नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो मैदा लिया है। आप चाहे तो मैदा नहीं है तो आटा भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हम मंगरायला अजवाइन डालना है, 1 चम्मच नमक, 2 टीस्पून घी या तेल डालकर अच्छी तरह मिलाना है। अच्छी तरह मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर खस्ता आटा गूंद लें। लाइम आटा गूंधा गया है, अब इसे ढककर 10-15 मिनट के लिए रख देना। चलिए आलू तैयार करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन चढ़ाना है चूल्हे पर, उसमें थोड़ा सा मूंगफली चिनिया बादाम भून लेना है। ना जाए तो उसे किसी बर्तन में निकाल कर फिर बर्तन को चढ़ाना है, और उसमें 1 चम्मच तेल डालना है, डालकर मटर को अच्छी तरह फ्राई करना है। मटर को भूनते वक्त थोड़ा सा नमक डाल देना है और अच्छी तरह मिलाकर 1-2 मिनट के लिए ढक देना है। मिनट हो जाए तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके निकाल लेना है। निकालने के बाद बर्तन को डालकर 1-2 चम्मच तेल डालना है, उसमें 5 फोड़न डाल देना है। अच्छी तरह करकरा जाए तो 1 चम्मच पेस्ट लहसुन का डालकर ढक देना है। कन हटाने के बाद मिलाकर उसमें हल्दी का 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर डाल देना है। मैश के आलू उसमें डालकर चलाना है। ये 1 चम्मच नमक डाल देना है। आलू को चलाने के बाद 6 मिनट फ्राई किया हुआ डाल देना है। चारों तरफ मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर देना। भुने हुए बादाम को कूट लेना है। आलू में मूंगफली को शामिल कर देना है। 2-3 हरी मिर्च कटी हुई डाल देना है और थोड़ी सी धनी की पत्ता डाल देकर मिला देना है। मिक्स हो गया है, अब हमारा आलू रेडी है। हो गया, अब आटा लेकर लोइया बनाते हैं। बड़ा सा लोइया लेना है और उसमें अच्छे से तरह जो बेल लेना है बड़ा साइज का। बिल्कुल गोल नहीं बेलना, थोड़ा सा लंबाई पर रहे, अभी इसे हाफ कर लेना। ये जिधर कट किया उधर ही पानी लगा के समोसा का आकार दे देना है और उसमें अपने हिसाब से भर के आलू का बनाया हुआ मिश्रण डाल देना है। आलू को अच्छी तरह भर के उसके चारों तरफ पानी लगा कर उसे अच्छी तरह मुंह को बंद कर देना है। इसी तरीके से सारे समोसे को रेडी कर लेना। सारे समोसे रेडी हो गए हैं, अब चलिए फ्राई करना। कढ़ाई चढ़ाकर उसमें तेल गरम करना है। तेल जब अच्छी तरह लहक जाए तो उसमें समोसे डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब निकाल लेते हैं ऐसे कढ़ाई से। इसी तरीके से सारे समोसे तल लेकर निकाल लेना।
समोसे बन तल कर रेडी हो गए हैं। अब बहुत ही मज़ेदार खस्ता समोसे हैं, तोड़ कर दिखाती हूँ। वाह, बहुत ही खस्ता। अब आप लोग कमेंट में बताएं कि हमें समोसे की रेसिपी कैसी लगी।